श्री कृष्ण जन्माष्टमी 19 अगस्त 2022 को पड़ने वाली है। आप लोग जानते हैं कि इस दिन व्रत और उपवास का क्या रहस्य और क्या कारण है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो लोग भी व्रत करते हैं उनके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। जो माताएं बहनें निसंतान हैं, अगर वह पति पत्नी दोनों मिलकर इस दिन व्रत करते हैं तो कृष्णा जैसा बालक उनके घर में पैदा होता है। जिनके घर में कन्याएं हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करेंगे तो उन्हें कृष्णा जैसा बालक प्राप्त होगा। यह दिन बहुत भाग्यशाली है। इस दिन आप व्रत करें, भगवान श्री कृष्ण को रात्रि के 12 बजे माखन का भोग लगाएं, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक छोटा सा उपाय करें, कोई भी खाली स्थान मिले, एक आम का वृक्ष अगर अष्टमी के दिन लगाएंगे तो आपके कुल का नाश हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे वह वृक्ष बढ़ता जाएगा आपके कुल का वंश बढ़ता ही जाएगा। जिनके घर में संतान नहीं है, कोई परेशानी है, वह भी एक बार व्रत कर देखें कि कृष्ण की शक्ति किस प्रकार से आपको फायदा ही पहुंचाएगी। कृष्ण की भक्ति देती है शक्ति, परंतु ध्यान लगाने वाले जो साधक हैं उनके लिए यह दिन बहुत ही खास है। जो परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, जो 84 के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वह लोग भी आज के दिन, कहने का अर्थ है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करें, उन्हें 84 कट जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, धन की परेशानी है, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण को जो भोग लगाते हैं वह गरीब बालकों में बांट देना, धन की परेशानी भी दूर हो जाएगी। आप जितने में समर्थ हैं उतना माखन गरीबों में बांट दें और कृष्ण की भक्ति मिलेगी शक्ति। धन दिन दुगना, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। जिन माताओं बहनों के घर में बालक नहीं है उनको बालक की प्राप्ति होगी। यह जीवन खुशियों भरा रहेगा।